Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 22, part 1 of complex analysis by Denizen Solutions. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू 8 को डिस्कस करेंगे. In problems 1 and 2, the given function is analytic for all z. Show that the Cauchy-Riemann equations are satisfied at every point. यहाँ पर given function whole complex plane पर analytic है. यानी आप whole complex plane में से कोई भी z pick करें, उस z की वैल्यू के लिए जो गिवन फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है. शो दैट द काशी रिमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट एवरी पॉइंट. यहां पर हम सिर्फ काशी रिमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर हमें गिवन है f ऑफ z विच इज इक्वल टू z क्यूब. और स्टूडेंट्स, आप सीआरडी इक्वेशंस को भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. सीआरडी इक्वेशंस, इनको हम काशी रिमान इक्वेशंस भी कहते हैं. इन इक्वेशंस में पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये इक्वल होता है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के. इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के. इसको आप स्टेरिक कह लें, इसे आप डबल स्टेरिक कह लें. तो अगर कोई फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन होगा तो वो सीआरडी इक्वेशंस को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा. इनको हम क्या कहते हैं? काशी रिमान इक्वेशंस कहते हैं. काशी रिमान इक्वेशंस. तो यहां पर जो गिवन फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, एनालिटिक ऑन होल कॉम्प्लेक्स प्लेन सी. तो अगर ये एक एनालिटिक फंक्शन है तो ये लाजमी तौर पर सीआरडी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो अब यहां पर स्टूडेंट्स हमें f ऑफ z विच इज इक्वल टू z क्यूब गिवन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, f ऑफ z को इन द फॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, यानी इस फॉर्म में आप पहले इसे कन्वर्ट करेंगे जो भी आपको f ऑफ z गिवन हो. ठीक है, यहां पर देखें तो हमें f ऑफ z गिवन है z क्यूब. तो पहले हम इसे इन द फॉर्म ऑफ u ऑफ एक्स वाई एंड v ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करेंगे ताकि हम ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर सकें. अगर हमारे पास u और v होगा देन हम इसके ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर पाएंगे. ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें लाजमी तौर पर यू और वी फाइंड करने होंगे. तो देखें यहां पर जेड को यू और वी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर मैं जेड की वैल्यू पुट करूंगा एक्स प्लस आयोटा वाई. तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब. तो आप इसका क्यूब ओपन करें. आप स्टूडेंट्स ये भी जानते हैं कि a प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ठीक है,
तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, ये इसमें एक्स है तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बी, बी हमारे पास आयोटा वाई है, फिर आ जाएगा प्लस 3 इंटू ए, ए अब हमारे पास एक्स है और बी स्क्वायर यानी आयोटा वाई का स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी आयोटा वाई का क्यूब, इसे आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब, यहां पर देखें ये बन जाएगा प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और ये स्टूडेंट बन जाएगा यहां पर यानी नेगेटिव आएगा वैल्यू, नेगेटिव वाई स्क्वायर होगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, ये बन जाएगा -3xy स्क्वायर, और आपको पता है स्टूडेंट्स के आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, ये आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा यानी नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयोटा वाई क्यूब। ठीक है, आप क्या करेंगे फिर रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंबाइन कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम यहां पर लिख लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब एफ ऑफ जेड किस फॉर्म में हमें मिल चुका है, ये हमें मिल चुका है यू और वी की फॉर्म में, यानी यहां पर पहले एक्स क्यूब आएगा फिर -3xy स्क्वायर फिर आएगा आयोटा, आप कॉमन लेंगे यानी ये वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, तो यहां पर पहले आएगा 3x स्क्वायर y फिर -y क्यूब, तो यहां पर ये u है और आयोटा के साथ वाला स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास v है, यहां पर मुझे u की वैल्यू मिल चुकी है -3xy स्क्वायर, और मुझे v की वैल्यू क्या मिली है 3x स्क्वायर y -y क्यूब, तो आप u और v हासिल करेंगे फिर आप ये पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें पहले आप पार्शियल u और पार्शियल x फाइंड कर लें, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x देखें किसके इक्वल आएगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, अब इसे विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x लें तो ये बन जाएगा -3y स्क्वायर, फिर आप यानी इक्वेशन स्टेरे को होल्ड करने के लिए आप यहां पर पार्शियल v ओवर पार्शियल y फाइंड करेंगे, पहले आप पार्शियल u ओवर पार्शियल x फाइंड करेंगे फिर पार्शियल v ओवर पार्शियल y फाइंड करेंगे, यहां पर पार्शियल v ओवर पार्शियल y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास v है रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है y हाँ विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो यहां पर सिर्फ 3x स्क्वायर आ जाएगा, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू y लें तो ये बन जाएगा -3y स्क्वायर, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि इक्वेशन स्टेरे होल्ड हो रही है, यानी ये दोनों वैल्यूज क्या हैं इक्वल हैं, इक्वेशन स्टेरे कौन से स्टूडेंट हमारे पास कि पार्शियल u और पार्शियल x किसके इक्वल होने चाहिए, पार्शियल v और पार्शियल y के इक्वल होने चाहिए, तो यहां पर इक्वेशन स्टेरे होल्ड हो रही है। ठीक है, अब हम इक्वेशन डबल स्टेरे होल्ड करेंगे, तो यहां पर इक्वेशन यानी स्टूडेंट्स हमारे पास u की वैल्यू है x³ - 3xy² और v की वैल्यू है 3x² y - y³, अब इक्वेशन डबल स्टेरे, तो इक्वेशन डबल स्टेरे हमारे पास किसके इक्वल है कि पार्शियल u ओवर पार्शियल y यानी माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल x इसके इक्वल है। ठीक है, पहले आप पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड कर लें, v देखें अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाएगा 3 × 2, ये बन जाएगा 6xy। ठीक है, अब ये हमारे पास y क्यूब है,
रिस्पेक्ट टू, अगर आप एक्स डेरिवेटिव लेते हैं तो ये जीरो आता है, यहां पर सिंपल आ जाएगा 6xy। अब आप फाइंड करें पार्शियल u ओवर पार्शियल y, फाइंड करें पार्शियल u ओवर पार्शियल y, तो अब u का विद रिस्पेक्ट टू y, x तो हमारे पास स्टूडेंट यहां पर पहली वैल्यू x है, तो विद रिस्पेक्ट टू y ये डेरिवेटिव जीरो। फिर इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 6xy, ठीक है। तो इक्वेशन डबल स्टेर हमारे पास क्या है कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये इक्वल होता है नेगेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y के, ये हमारे पास इक्वेशन डबल स्टेर है। पहले हमने स्टूडेंट्स ये पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड कर लिया, अब हमें चाहिए नेगेटिव पार्शियल u और पार्शियल y। तो जब आप नेगेटिव पार्शियल u और पार्शियल y फाइंड करेंगे तो ये देखेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव 6xy, तो दिस इंप्लाइज नेगेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y, अब ये इक्वल है 6xy के, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं ये जो इक्वेशन डबल स्टेर है ये भी यहां पर होल्ड हो रही है, देखिए ये भी 6xy है और ये भी वैल्यू 6xy है, ठीक है। तो अगर इक्वेशंस ये स्टेरे और डबल स्टेरे होल्ड हो रही हैं, इसका मतलब है कि हम यहां पर सीआरडी इक्वेशंस सेटिस्फाई कर चुके हैं, ठीक है। हमने सिर्फ यहां पर सिर्फ सीआरडी इक्वेशंस ही सेटिस्फाई कर ली थी, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इट इज क्लियर दैट काशी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन सी, वेयर ये हमारे पास क्या है काशी रीमान इक्वेशंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर स्टूडेंट्स हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू 3z² + 5z - 6i। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हमें एफ ऑफ जेड गिवन है 3z² + 5z - 6i। ये गिवन है, ठीक है। तो हमने यहां पर वही काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x विच इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, नेक्स्ट पार्शियल v ओवर पार्शियल x विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y, ठीक है। बाज़ुकात वो पार्शियल u ओवर पार्शियल y ये नेगेटिव पार्शियल v ओवर पार्शियल x के भी लिखते हैं बाज़ुकात, ठीक है। समटाइम वो इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये वही इक्वेशंस हैं। तो यहां पर पहले यहां पर नेगेटिव था तो उन्होंने शिफ्ट करके नेगेटिव इस साइड पर कर दिया, तो फिर भी पार्शियल u और पार्शियल y इक्वल आ गया है माइनस पार्शियल u और पार्शियल x के, तो फिर भी ये हमारे पास क्या है सीआरडी इक्वेशंस है, क्या है सीआरडी इक्वेशंस, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इस f ऑफ z को इन द फॉर्म ऑफ u और v कन्वर्ट करेंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ u और v कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर z को पुट करना पड़ेगा x प्लस आयोटा वाई। जब आप ये z की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा f ऑफ z विच इज इक्वल टू 3 into x plus iota y² + 5 into x plus iota y - 6i। तो स्क्वायर ओपन करें तो ये बन जाएगा 3 into x² + iota² + 2xy² + 5x + 5y² - 6i। फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा 3x² iota square, स्टूडेंट्स क्या होता है नेगेटिव 1 होता है, ये बन जाएगा नेगेटिव
3y square plus 6xy iota plus 5x plus 5y iota minus 6 iota. फिर आप क्या करें कि iota के बगैर जो भी हमारे पास values हैं उनको combine करें. तो ये पहली value है, इसके अलावा ये second value है और ये third value है. ये values क्या हैं iota के अलावा हैं, यानी एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, बाकी आप आयोटा वाली वैल्यूज को कंबाइन कर लें तो ये बन जाएगा आयोटा इंटू सिक्स एक्स वाई प्लस फाइव वाई माइनस सिक्स. तो यहां से आप देखेंगे तो हमारे पास u इक्वल है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, और v किसके इक्वल है सिक्स एक्स वाई प्लस फाइव y माइनस सिक्स. ठीक है, ये हमारे पास u और v की वैल्यूज आ चुकी हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, यानी ये इक्वेशन स्टेरे और डबल स्टेरे. ठीक है, तो u का विद रिस्पेक्ट टू x लें डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x. ये अब इक्वल आ जाएगा, देखें यहां पर आप लिख लें थ्री इंटू आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, ये क्या आता है टू एक्स आता है. फिर इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा. इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव क्या बन जाएगा प्लस फाइव बन जाएगा. तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स सिक्स एक्स प्लस फाइव. अब देखते हैं पार्शियल v ओवर पार्शियल y क्या आता है हमारे पास. अब इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y, तो इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y लें तो 6x आता है, और विद रिस्पेक्ट टू y ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू y ये 0 आ जाएगा. तो आप स्टूडेंट्स यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पर ये इक्वेशन स्टेरे होल्ड हो रही है, यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये इक्वल अब आ रहा है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के. तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, अब हमने फाइंड करना है पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई और पार्शियल v ओवर पार्शियल x. ठीक है, यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं. पहले आप स्टूडेंट्स पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड करें, यानी इस u को विद रिस्पेक्ट टू y आप डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू जीरो बन जाएगी. इसे आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें तो ये माइनस सिक्स y और ये फिर जीरो बन जाएगी. इस तरह स्टूडेंट आप फिर पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड करें, तो अब इस v को आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये बन जाएगा पहला स्टूडेंट हमारे पास सिक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू x ये जीरो ये भी जीरो. अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स माइनस पार्शियल वी चाहिए, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स चाहिए. जब आप पार्शियल माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव सिक्स वाई बन जाएगा. तो ये भी नेगेटिव सिक्स वाई है और ये भी नेगेटिव सिक्स वाई है. इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन डबल स्टेर है वो भी सेटिस्फाई हो रही है. तो अगर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब है कि वी हैव डन. ठीक है, वी हैव डन, हमने सिर्फ सीआरडी इक्वेशन जी सेटिस्फाई करनी थी. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इन प्रॉब्लम्स 3 to 8 शो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट. ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हमने वही करना है कि अगर सीआरडी इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा. ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू रियल ऑफ जेड। तो अगर हमने यहां पर वही सीआरडी इक्वेशंस को चेक करना है तो हमें अब इस फंक्शन को यू और वी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहां पर आप जेड की वैल्यू पुट करेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू रियल ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो यहां पर हमें रियल पार्ट चाहिए तो रियल पार्ट यहां पर एक्स है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस जीरो आयोटा। तो यहां पर यू एक्स की इक्वल है और वी किसके इक्वल है, जीरो की इक्वल। फिर आप क्या करेंगे कि पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, ये अब देखें ये वन की इक्वल आएगा, यानी इस यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव वो वन आता है, और यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास जीरो आता है, यानी यहां पर वाई नहीं है तो यहां पर एक्स है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे डेरिवेटिव तो हमारे पास ये जीरो आएगा। इस तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करें, पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स ये भी जीरो, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई वो भी जीरो आता है। वी सी दैट पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इज नॉट इक्वल टू पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स यानी वाई। यानी स्टूडेंट्स काशी रिमांस इक्वेशन में या सीआरडी इक्वेशन में पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये किसके इक्वल होता है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास क्या है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू है। यहां पर वन कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखें स्टूडेंट्स ये जो स्टेरे है वो हमारे पास होल्ड नहीं हो रही, लेकिन ये जो डबल स्टेरे है वो हमारे पास होल्ड हो रही है। तो अगर कोई एक भी यानी इक्वेशन सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, तो वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं होता। यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है वो लाजमी तौर पर सीआरडी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर वो फंक्शन सीआरडी इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं करता तो एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा। सिंस काशी रिमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाइड सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट। तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप देखेंगे, यानी अगर कोई एक इक्वेशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू वाई प्लस आयोटा एक्स, ये गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन फंक्शन यानी y प्लस आयोटा एक्स, ये हमें गिवन है एफ ऑफ जेड। तो फ्रॉम द गिवन फंक्शन वी कैन फाइंड u एंड v। अब इसमें देखें u किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, और v किसके इक्वल है, वो x के इक्वल है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। कैलकुलेट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v। यानी अगर आप u और v के पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, यानी 4 फाइंड करेंगे आप, पहले आप फाइंड करेंगे पार्शियल u ओवर पार्शियल x, ठीक है। यहां पर हमें y है, x नहीं गिवन है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर अगर आप देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल y देखें तो फिर ये 1 आएगा। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x देखें तो ये हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। इस तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल y देखें तो वो हमारे पास 0 आता है। नेक्स्ट काशी रिमांस इक्वेशंस आर पार्शियल u ओवर पार्शियल x विच इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। देखें यहां पर पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल होना चाहिए था पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, वो तो इक्वल है, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x यहां पर ये v रख लें, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये इक्वल है पार्शियल v ओवर पार्शियल y विच इज इक्वल टू जीरो, बट पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये नॉट इक्वल टू है नेगेटिव पार्शियल u ओवर पार्शियल y के,
यानी सेकंड कंडीशन क्या थी कि पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स ये किसके इक्वल होता है, नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के। तो अगर पार्शियल यू और पार्शियल वाई का अगर आप नेगेटिव फाइंड करते हैं तो ये नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ये किसके इक्वल आता है, नेगेटिव वन के इक्वल आता है। तो आप देख सकते हैं कि वन इज नॉट इक्वल टू नेगेटिव वन, वन कभी भी नेगेटिव वन के इक्वल नहीं हो सकता। तो फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री इट इज क्लियर दैट इक्वेशन फाइव इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। इन अदर वर्ड्स वन इज नॉट इक्वल टू वन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ठीक है, वन कभी भी माइनस वन के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये जो सेकेंड कंडीशन थी स्टूडेंट्स वो हमारे पास फेल्ड हो रही है। ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फेल्ड। तो अगर कोई एक कंडीशन भी फेल्ड हो जाती है तो उस रूप में वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं रहती। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू फोर जेड माइनस सिक्स जेड कॉन्जुगेट प्लस थ्री। फोर जेड माइनस सिक्स जेड कॉन्जुगेट प्लस थ्री ये हमें गिवन है। फोर जेड माइनस सिक्स जेड कॉन्जुगेट प्लस थ्री। ठीक है, ये चीज है ना, फोर जेड माइनस सिक्स जेड कॉन्जुगेट प्लस थ्री ये हमें गिवन है एफ ऑफ जेड। तो पहले आप इसे यू और वी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आप पुट करेंगे जेड विच इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड ये अब इक्वल हो जाएगा फोर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये जेड कॉन्जुगेट है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं तो उस रूप में जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू आती है एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस थ्री आ जाएगा। तो इसे आप सॉल्व करें तो ये बनता है फोर एक्स प्लस फोर वाई आयोटा माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स वाई आयोटा प्लस थ्री। ठीक है, ये भी और ये भी सेम है। ठीक है, और ये भी और ये भी, तो यहां पर ये आ जाएगा नेगेटिव टू एक्स प्लस आ जाएगा टेन वाई आयोटा प्लस थ्री। फिर आप इसे अलहदा करें यानी टू एक्स और ये थ्री अलहदा हो जाएगा, साथ में ये आ जाएगा आयोटा इंटू टेन वाई ये हमारे पास। तो यहां से आप यू क्या हासिल करेंगे, नेगेटिव टू एक्स प्लस थ्री, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टेन वाई आएगी। फिर स्टूडेंट्स आप क्या करें कि पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें। पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये अब किसके इक्वल आएगा, इस यू यू का रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले तो ये आता है नेगेटिव टू आता है। ठीक है, और फिर वी का रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास क्या आता है, टेन आता है। ठीक है, इसी तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई लें तो वो हमारे पास जीरो आता है, यानी यहां पर y कहीं भी नहीं है, तो ये भी वैल्यू जीरो, ये भी जीरो आ जाएगी। फिर पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आता है, जीरो आता है। यानी यहां पर x नहीं है तो यहां पर इसका भी डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x जीरो, और यहां पर u में y कहीं नहीं है तो इसका भी रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव जीरो। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर ये देख सकते हैं कि जो डबल स्टेरे थी यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई विच इज इक्वल टू नेगेटिव पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स विच इज इक्वल टू जीरो, ये तो सेटिस्फाई हो रही है डबल स्टेरे। लेकिन ये जो पहली कंडीशन से स्टेरे वो होल्ड नहीं हो रही, यानी पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये कभी भी इक्वल नहीं है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के। तो यहां पर इक्वेशन स्टेरे यहां पर फेल्ड हो रही है। तो ये इक्वेशन यहां पर क्या हो रही है, फेल्ड।
अगर कोई एक भी इक्वेशन फेल्ड हो जाती है, यानी स्टूडेंट्स यहां पर नेगेटिव टू इज नॉट इक्वल टू 10 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन से, तो उस सूरत में माइनस टू कभी भी 10 के इक्वल नहीं हो सकता। तो इक्वेशन सिटेरे इज फेल्ड, तो ये इक्वेशन फेल्ड हो रही है, तो इसलिए यहां पर जो एफ ऑफ जेड है इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर ओपन करें तो ये बनता है स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर नफी माइनस टू एक्स वाई आयोटा इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आयोटा, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां पर आप लिख सकते हैं प्लस आयोटा इन टू माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। यहां से हमारे पास यू की वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर नफी वाई स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है माइनस टू एक्स वाई, ये हमारे पास यू और वी की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। फिर आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करें, पहला फाइंड करेंगे पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई या एक्स फाइंड कर लें, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आता है टू एक्स आता है, इस तरह पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई फाइंड करें तो ये हमारे पास नेगेटिव टू वाई आता है, फिर पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करें तो ये हमारे पास क्या आता है नेगेटिव टू वाई आता है, इस तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई फाइंड करें तो ये नेगेटिव टू एक्स आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं दिस इंप्लाइज जो हमारे पास इक्वेशन स्टेरे थी वो क्या थी कि पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल होना चाहिए था पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, ठीक है। तो देखें तो यहां पर टू एक्स कभी भी माइनस टू एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये इक्वेशन भी फेल्ड, ठीक है। और देखते हैं फिर सेकंड हमारे पास क्या थी कि पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स इक्वल होता है नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई के, तो नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई फाइंड करें तो ये नेगेटिव पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई ये बन जाएगा टू वाई, तो ये इक्वेशन भी फेल्ड हो रही है, यानी माइनस टू वाई कभी भी 2y के इक्वल नहीं हो सकता, दिस इज ऑल्सो फेल्ड, ये भी हमारे पास इक्वेशन फेल्ड हो रही है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स 2x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू एक्स फॉर ऑल z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसी तरह माइनस टू वाई इज नॉट इक्वल टू 2y फॉर ऑल z बिलोंग्स टू ऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो यही रीजन है कि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन नहीं है किसी भी पॉइंट पर।
ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये इसकी रीजंस हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि v की हमारे पास वैल्यू है माइनस टू एक्स वाई है और u की हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक बार और भी देखें इस चीज को, यानी हमारे पास क्या चीज आ रही थी कि रीस्टेट सी आर इक्वेशंस पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल होता है पार्शियल वी और पार्शियल वाई के, तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इक्वल होता है टू एक्स के, पार्शियल वी और पार्शियल वाई इक्वल होता है माइनस टू एक्स के, तो ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। सो काशी रीमान इक्वेशंस आर नॉट सेटिस्फाई फॉर ऑल जेड एक्सेप्ट फॉर जीरो। अगर हम स्टूडेंट्स जेड इज इक्वल टू जीरो देखते हैं तो यहां पर एक्स भी जीरो होगा वाई भी जीरो होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा था स्टूडेंट्स कि 2x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू एक्स, इस माइनस टू वाई इज नॉट इक्वल टू टू वाई। तो अगर आप यहां पर x और y जीरो पुट करेंगे तो उस रूप में देखें स्टूडेंट्स फिर हमारे पास काशी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये फिर इक्वल हो जाएगा पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x फिर ये इक्वल हो जाएगा माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो ये जो फंक्शन है f ऑफ z, ये ठीक है z इज इक्वल टू जीरो पर तो ये हमारे पास क्या एनालिटिक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ये सिर्फ जीरो पर है, तो जीरो के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, ये चीज वो ये कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर u किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के और v इक्वल है जीरो के। नेक्स्ट टाइम में आप इनके डेरिवेटिव फाइंड करें तो u का रिस्पेक्ट टू x और y फाइंड कर लें, यहां पर फाइंड कर लेते हैं, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी इसका विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ये 2x बन जाएगा। इस तरह पार्शियल u ओवर पार्शियल y फाइंड करें वो हमारे पास क्या बनता है 2y बनता है। इसी तरह पार्शियल v ओवर पार्शियल x फाइंड करें वो भी जीरो आता है, और पार्शियल v ओवर पार्शियल y वो भी देखें वो भी जीरो आता है। तो अगेन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी इसमें 2x कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता एक्सेप्ट x इज इक्वल टू जीरो के एक्सेप्ट, ठीक है। जब आप x जीरो पुट करते हैं तो उस रूप में 2x जीरो के इक्वल हो जाता है, अदरवाइज किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो के इक्वल नहीं होता। इसी तरह माइनस टू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्सेप्ट वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स ये फंक्शन जेड इज इक्वल टू जीरो पर तो एनालिटिक है, बट नॉट एनालिटिक एनीवेयर तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कहीं भी एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहां पर आगे वो बताएगा, वी फाइंड दैट इक्वेशन वन एंड टू आर ओनली सेटिस्फाइड एट ओरिजिन जेड इज इक्वल टू जीरो। यहां पर मैं आपको पहले बता चुका हूं, सो काशी रीमान इक्वेशंस आर ओनली हेल्ड एट ओरिजिन, सो द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट द ओरिजिन, बट इट इज नॉट एनालिटिक एनीवेयर बिकॉज एट द ओरिजिन देयर इज
नॉट डिफरेंशिएबल नेबरहुड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, एडिटिव फंक्शन की क्या डेफिनेशन थी, यानी अगर हम कहते हैं कि ये कोई पॉइंट जेड नॉट है, ये कोई पॉइंट जेड नॉट, ये आप इसका नेबरहुड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका नेबरहुड है सारा। एनालिटिक के बारे में हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एनालिटिक पहले आपकी ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको ये चीज समझ आ सके कि अगर सिर्फ फंक्शन z इज इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक है तो ये नो वेयर एनालिटिक कैसे बन रहा है, नो वेयर एनालिटिक। ठीक है, देखिए ये सिर्फ z इज इक्वल टू जीरो, इसे आप फॉर एग्जांपल जीरो कह लें, तो ये सिर्फ इसी पॉइंट पर एनालिटिक है, यानी इसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर आप इसके नेबरहुड को चेक करते हैं तो उस सूरत में ये एनालिटिक नहीं बनता। ठीक है, तो एनालिटिक फंक्शन होने के लिए स्टूडेंट्स ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पॉइंट जेड नॉट पर चेक करते हैं कि वो फंक्शन, हम ये कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक तब होगा जब वो फंक्शन इसके नेबरहुड पर भी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन सिर्फ इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक नहीं हो सकता। तो डेफिनेशन ही यही है कि अगर कोई फंक्शन पॉइंट जेड नॉट पर एनालिटिक है तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन इसके नेबरहुड पर भी डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप नेबरहुड में से कोई भी पॉइंट लें तो उस पर भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके हम कहते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है। अदरवाइज सिर्फ अगर एक ही पॉइंट पर वो फंक्शन यानी डिफरेंशिएबल है यानी एनालिटिक है तो हम उसे एनालिटिक नहीं कह सकते, वो यही बता रहा है, ये डेफिनेशन भी यही है एनालिटिक की। तो ये कह रहा है कि देयर इज नॉट डिफरेंशिएबल नेबरहुड, सिर्फ जेड इज इक्वल टू जीरो पर तो वो एनालिटिक है लेकिन इसके नेबरहुड पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए हम स्टूडेंट यहां पर ये कह रहे हैं कि ये नॉट एनालिटिक एनीवेयर, ये कहीं भी एनालिटिक फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर हमें गिवन है एफ ऑफ जेड विच इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपने ये जेड लिखना है, यहां पर एक्स है। ठीक है, यानी f ऑफ z अगर हम देखते हैं यहां पर हमारे पास है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से आप देखें u हमारे पास है अब x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, और v हमारे पास इक्वल है y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इनके डेरिवेटिव फाइंड करें, आप पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स फाइंड करें। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम वही क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के जो नीचे वाली वैल्यू होता है उसका स्क्वायर होता है, फिर यहां पर वही वैल्यू लिख देते हैं नीचे वाली वैल्यू, फिर इस वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो ये वन आ जाएगा यहाँ पर, फिर नेगेटिव यहाँ पर एक्स आ जाएगा, फिर नीचे वाली वैल्यू का रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, तो ये क्या आता है टू एक्स आता है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो फिर देखें ये नेगेटिव टू एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स आ चुका है। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं
इसे आप रन करें। अब हम फाइंड कर लेते हैं पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ये फाइंड कर लेते हैं ताकि हम वो इक्वेशन स्टेरे देख सकें क्या वो इक्वल आती या नहीं आती। ठीक है, पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप वही क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ये वैल्यू ऊपर वैसे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम इस y का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका यहाँ पर 1 आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पर y आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव, तो ये बन जाएगा इन टू टू वाई। इसे सॉल्व करें तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव टू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारे पास वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप इक्वेशन टू कह लें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आप देख सकते हैं कि पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स ये नॉट इक्वल है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई के, यानी ये वैल्यू तो हमारे पास क्या आ रही है, ये हमारे पास आ रही है वाई स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू आ रही है पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई, ये हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यहां पर भी स्क्वायर है, यानी यहां पर भी स्क्वायर है। ठीक है, ये आपने देखना, तो ये इक्वेशन स्टेरे हमारे पास क्या हो रही है फेल्ड, ये हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही। ठीक है, यहां पर वो देखें, यहां पर डी यू और डी वाई, या इसे आप पार्शियल यू और पार्शियल वाई भी कह सकते हैं। अब फिर ये अगर हम देखें वाई के अकॉर्डिंग फाइंड करें तो फिर ये क्या आता है नेगेटिव टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आता है। इस तरह डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करें तो ये नेगेटिव टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आता है। तो हमें चाहिए नेगेटिव पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स चाहिए, तो ये बन जाएगा टू एक्स वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन स्टेरे फील्ड, हमारे पास फील्ड हो रही है, ये डबल स्टेरे में ये डबल स्टेरे भी फिर भी फील्ड हो रही है, यहां पर ये नेगेटिव है यहां पर ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी टू एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं उसने यहां से एक्स वाई जीरो लिया है, अगर एक्स वाई जीरो होता है, ठीक है, अगर एक्स वाई जीरो होता है तो फिर ये जीरो के इक्वल आ जाता है, यानी अगर ये जीरो ले ये भी जीरो ले, तो वी सी दैट सी आर कंडीशन इज सेटिस्फाइड ओनली एट रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, देयर इज नो नेबरहुड around any point such that every point is differentiated, no so function is not analytic at any point, yani ab ye keh raha hai ki sirf ye jab x y aap zero lete hain to us surat mein ye function yani analytic ho jata hai, theek hai, otherwise ye analytic nahi hota, yani वैसे student aap ye rakhna ki agar koi ek condition fail ho jati hai to us surat mein wo function analytic nahi jata। आपने सिर्फ ये लिख देना है कि यहां पर ये कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही, सो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।